सेक्टर 9 से उमेश चौरसिया पिछले शुक्रवार से गायब हैं। जी हाँ, मिसिंग कंप्लेंट हो चुकी है। गुमशुदा की तलाश में हम आज नवी मुंबई न्यूज़ पे लेके आए हैं। मैडम आपका नाम क्या है? कुमिया देवी जी। आपके पति का नाम क्या है जो लापता है? उमेश चौरसिया जी। हाँ। उमेश चौरसिया जी कब से लापता है? शुक्र के रात में से। शुक्रवार रात से। हाँ। आपने पुलिस में कंप्लेंट लगाई है? हाँ, करी है। कहाँ पे, कौन से पुलिस स्टेशन में करी है? कालखुना लड़का गले लड़का बात बोलते। अच्छा, पुलिस वो है, रसीद है? हाँ है। रसीद दिखा दीजिएगा मुझे। और उनकी कद काठी कैसी थी? मतलब नहीं समझे। कद काठी मतलब हाइट वगैरह? हाइट 6 फुट हो, 5.5। हाँ। अच्छा, गोरा रंग था? हाँ। और नीला कपड़ा अच्छा। आखिरी वक्त कहाँ देखा गया? ऐसे तीनों पुराने जा रही है तो होने पाछू रह गया, पाछुए से गायब हो। इधर से शाम को घूमने के लिए निकले तो अच्छा। इन्होंने इधर का चले गए, उन्होंने वो रास्ते पे निकल गए। अच्छा। यही बोली सब बात हम जानबो नहीं करी। हाँ बोलिए ना आप। तो शाम को गए तो वापस आए नहीं। अच्छा, तो 11 बजे तक इंतजार किए कि आएंगे। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है? नहीं पता, हमको नहीं पता। आपको नहीं पता? ना। नावा शिवा में किया होगा ना आपने? लड़के नावा शिवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज है। जी हाँ, उमेश चौरसिया जी के नाम से, या आप देख सकते हैं कागजात, मिसिंग का रिपोर्ट। जी हाँ, जिसे मिसिंग रिपोर्ट कहते हैं। आप कॉन्टेक्ट पर्सन उनके बेटे श्री जी हेवन उमेश चौरसिया जी के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिख रहा है, या फिर आप सीधा सीधा पुलिस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये है कुमिया देवी जी। जी हाँ, जो हम इनसे बात करेंगे, जो चौरसिया जी लापता है उनके बारे में जानी कोशिश करेंगे और आपको फोटोग्राफ भी दिखाएंगे। नावा शिवा में ये कंप्लेंट रजिस्टर है। जी हाँ, शुक्रवार की रात मिसिंग पर्सन कंप्लेंट रजिस्टर्ड विद नावा शिवा पुलिस स्टेशन, नवी मुंबई पुलिस। जी हाँ, तो आपको यदि ये आदमी दिखते हैं तो आप या तो डायरेक्ट घर वालों को या फिर पुलिस स्टेशन को संपर्क करके सूचित कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सचिनाथ ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ इन्वेस्टमेंट। आप सब लोगों से अपील है कि जैसे आपका इनकम स्टार्ट होता है ना, आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कीजिए। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट प्लान बहुत जरूरी है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। नवी मुंबई।